अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो अभी हम लोग बना रहे हैं, आप लोग के बोलने पर आप लोग का इतने कमेंट्स आए कि नान बटर नान की रेसिपी बताओ। तो अभी बना रहे हैं बटर नान। पर ये जब अच्छा लगता है जब आप किसी के ऊपर गुस्सा हो और निकाल नहीं सको गुस्सा हो किसी के ऊपर निकाल नहीं सको तो इसको नान को इसको इस तरीके से यानी मसलना रहता है ना कि पूरा गुस्सा उसके अंदर ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए तो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। मस्ती करी थी, आप सीरियसली मत होना, पर आप लोग ट्राई जरूर करना। तो इसके अंदर हम लोग ने ले लिए मैदे का आटा। तो रोटी ये जो बटर नान है वो सिर्फ मैदे के आटे से बनता है। तो मैदे के आटे के अंदर हम डालेंगे घी। पहले इनो डाल देंगे एक पैकेट। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, जितना आटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जितना आटा रहेगा उस हिसाब से ही दही लेना है। और ये तेल थोड़ा मूंग के लिए जो मोन डालते हैं हम थोड़ा सा डालना है। और ये भी थोड़ा सा। हाँ, और ये है नमक। इसके ये है ना, इसको बिठाने में मतलब ये नमक मैंने इसके लिए मुझे पता था ये ऐसे ही करेगा, इसलिए नमक इतना ही लिए जितना ही आटे के लिए जरूरत है। पूरा डाल दे, पूरा डाल दो। बस ये नमक सबके स्वाद अनुसार डाल लो। और फिर इसको हाथ से इतना मिक्स करना है ना कि हाथ में यू लम्स यानी गट्ठे जैसे ऐसा मुट्ठी बने हुए ऐसा थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर अगर कम लगे अपने को तो दही पूरा डाल देंगे और पानी डाल के कड़क आटा गूंदना है इसको। और ये है ना खास करके जब गुस्सा है ना जैसे आपके हस्बैंड के ऊपर हो या बच्चों के ऊपर हो या फिर किसी को आप बोल नहीं सको ना तो ये आटा ऐसा गूंद के रखोगे ना उसके बाद जब इसके बाद का जो प्रोसीजर है ना उसके अंदर सारा गुस्सा निकल जाएगा। उसको इतना पटक पटक के मारना रहता है आटे को। हाँ, मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकती क्योंकि ये बोल देता है तो मुझे हंसी आ जाती है। तो मैं आटे के ऊपर ऐसा गुस्सा निकाल लेती हूँ ना। ये देखो ऐसा हो रहा है, थोड़ा दही हमारा बचा है वो भी डाल देंगे हम। और डाल दिए ना इसको एकदम। ये नमक खा रहा है ना, चल खा रहा है। ये देखो ये हाथ से ऐसा यू बन रहा है ना, मुट्ठी आ रही है ना वैसा बांध रहे हैं। और एकदम कड़क आटा गूंदना है अभी फिलहाल के लिए। वो हम भाकरी बनाते हैं गुजराती लोग, जो भाकरी बनती है ना कड़क रोटी जिसको बोलते हैं बिस्किट जैसी, वैसा उसके टाइप का आटा गूंदना है। कुछ दही के अंदर ही इतना सारा हो गया है, थोड़ा सा डालेंगे पानी, ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये कड़क आटा बना रहे हैं। क्यों आटा गूंदना है, हाथ दो हाथ नहीं करते। ये देखो ये इस तरीके रुकेगा, ये इस तरीके से आटा गूंदना है, इतना कड़क होना चाहिए। और लगे हमको तो थोड़ा सा तेल डालकर एक बार मैश कर देना है, यानी ऊपर से डालकर आधे घंटे के लिए हमको रेस्ट कर देना है। आधे घंटे के बाद ये जो दही है और वो जो इनो डाले वो अच्छे से ये आटा भी फूल जाएगा, यीस्ट का काम करेंगे तो हमारा ये जो बटर नान है वो बाहर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तेल है, ये देखो इतना कड़क होना चाहिए। तो ये देखो ये इस तरीके से आ गया, थोड़ा आटा दिखा आटा नरम हुआ कि नहीं। इस तरीके से आटा कड़क गूंदना एकदम से। ठीक है, जितना नहीं मैंने गूंद डाली और आधे घंटे के लिए इसको अभी रेस्ट करने देना है। तो ये आटा फूल जाएगा फिर वापस से हमको बेलना है। तो फिर अभी हम लोग आधे घंटे बाद रोटी बनाइए। क्या बोल रहे हैं, हमने तो आधे घंटे बाद जाते बोला। ठीक है, तो हमारा आधा घंटा हो चुका है तो हम आटे को देख लेते हैं। ये देखो थोड़ा नरम हो गया और थोड़ा फूल भी गया है। ये देखो ये कैसा रेशे रेशे आ गए। देखिए जाली, कभी इसको अच्छे से गूंद डालते हैं, ये जो जाली जाली है इसको अच्छे से
तोड़ तोड़ के मसल लेंगे, ठीक है। इतना अच्छे हो ना, ये हिस्सा यूज करने का तो इस तरीके से इसको मसलने का। ये देखो ये रेशे रेशे जो है इसको अच्छे से देखो मिक्स हो जाएगा सब बाजू ऐसा, और थोड़ा नरम भी हो चुका है आटा, तो अब इसको ऐसे मसलेंगे। ये हिस्सा यूज करने का ज्यादा मसल नहीं है। मसलने का अच्छे से इसको, और फिर वापस से इसको रेस्ट करने देने का ताकि ये और थोड़ी से अच्छे से हो जाए। मैंने टोटल 35 मिनट जितना, टोटल 35 मिनट्स जितना इसको लगेगा रेस्ट देने के लिए। ये देखो जितना रेस्ट देगी उतना अच्छे से हो जाएगा, देखिए जल्दी जल्दी पूरा कितने अच्छे मसाले से डाल जाएगी। अब इसको 5 मिनट और रेस्ट के लिए रख देंगे, ठीक है। इसको 5 मिनट और आराम करने के लिए दे देंगे, जितना ये आराम करेगा ना उतना अच्छा हो जाएगा। इसको पहले अच्छे से मसल लिए, उसके बाद वापस से 5 मिनट रुका देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे। तो अभी हमारे 5 मिनट और रेस्ट करके हो चुका है, तो ये देखो आटा कितना माशाल्लाह से नरम हो गया है, ये देख सकते हो आप। अभी इसको हम रोटी के जैसा बना देंगे, एक बार ऐसे ही खाली मिक्स कर देंगे अच्छे से, और जैसा रोटी जैसा बनाते हैं हम वैसा ही बनाएंगे इसको। ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा ठीक रखना है, ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा जाड़ा भी नहीं। अभी इसको मैं बेल लेती हूँ, थोड़ा सा जरा और थोड़ा सा पतला। हाँ ठीक है, अभी तू जा। और ये मेल्टेड अमूल बटर जो है उसके अंदर कोथमीर डाल के रखी हूँ, ये देखो पिघल के मेल्टेड बटर है, इसके अंदर एक कोथमीर डाला हुआ है, इसको भी रख देंगे साइड पे, ये हमको लास्ट में लगेगा। अब जब ये बेल लेती हूँ सब रोटी एक साथ, उसके बाद जब सेकने के लिए खड़ी होगी तब आपको मैं प्रोसीजर बताती हूँ, ठीक है। बोलो। तो ये मैं थोड़े से बेल दी थी, दो तीन बेली थी, ये देखो यहाँ पे ये सेक रहा है, ये देखो ये इस तरीके से सेक रहा है, हम जैसा रोटी सेकते हैं वैसा। ये हम जैसा रोटी सेकते आगे पीछे वैसा जैसा डरे तो रेड हो जाएगा। मैंने छोटे छोटे बनाई हूँ, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बना सकते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा ना। तो इसके ऊपर ये जो हमने मेल्टेड बटर लगाया है वो ऐसा थोड़ा सा लेकर यू गार्निशिंग कर देना है, और इसको रखना है ऐसा साइड में, ठीक है। यानी एक के ऊपर एक, जैसा हम रोटी के ऊपर रोटी डालते हैं वैसा नहीं डालना है, इसको ऐसे ही रखना है, और गरम गरम खाएंगे तो ज्यादा टेस्ट आएगा, ये आपको बता देती हूँ। ये देखो ये बेला हुआ है, इसको डाल देती हूँ, फिर से एक बार रिकैप कर देती हूँ। ये देखो फाइनल लुक हमारा बटर नान का कुछ इस तरीके से। अभी दूसरा बन रहा है, इसी तरीके से सब रिपीट करना है, क्या इसी तरीके से सब रिपीट करना है, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे बनाई हूँ इतने लेकर, आप थोड़े बड़े भी ले सकते हैं, नॉर्मल रोटी जैसा ही बनाना है। मेन आपके ऊपर है वो। हाँ, ये प्रोसीजर आसान है, नॉर्मल रोटी जैसा ही है। मेन आटा गूंथते वक्त थोड़ा रेस्ट जितना अच्छे से देंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आता है, और नमक थोड़ा कम रखना है क्योंकि ये हमने अमूल बटर बन गया। हाँ, क्योंकि ये हमने अमूल बटर यूज किया तो ऑलरेडी उसमें नमक रहता ही है, ठीक है। इसके लिए हमको नमक आटा गूंदने के टाइम पे थोड़ा सा कम डालना है, नॉर्मल जितना भी डालेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा कम, ठीक है। ये हमारा दूसरा भी तैयार है, ये इस तरीके से देखो। अब चाहे आप इसके साथ कोई भी तंदूरी रोटी जो बाहर से मंगाते हैं आप इसी तरीके से खा सकते हैं। बटर नान है, बाद में दूसरा देख, अगर इनके बाहर नहीं मिला तो। हाँ, नहीं बाहर से नहीं तो कोई भी प्रीफर नहीं करता है ना, घर में बनाने का शौक रहता है किसी के साथ, तो बना सकते हैं। हाँ, कभी गलती से मेहमान लोग आ गए आपके घर पे तो आप ऐसा बना के दे सकते हो उन लोग को। गलती से क्या, मेहमान तो हर एक के घर में आते ही, गलती से क्या आते हैं, कुछ भी बोलता है। वैसा नहीं है, इमरजेंसी में मतलब। ये आराम का काम है, अगर तुमको बनाने का शौक है तो बनाओ, नहीं बनाएंगे तो करना अच्छा लगेगा ऐसा। कभी कभी थोड़ा ट्विस्ट आना चाहिए कि हाँ बाहर की चीज हमने घर में भी बनाई है ऐसा, ठीक है ठीक है।
सो गाइस मैं अभी यहाँ पे बात ही कर रहा था और उतने मम्मी की इधर फटाफट तीन तीन रोटी हो गई। तो ये अभी इसके एक के ऊपर एक नहीं रखना है, नहीं तो क्योंकि हमने बटर ऊपर से लगाया है तो कोथमीर भी है ना उसके अंदर, तो एक के ऊपर एक चिटक जाएंगी तो इतना वो अच्छा, इस वजह से थोड़ा अच्छा, सा साइड साइड में रखना हाँ, तो साइड में रहेगा तो अच्छा शो भी आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। हाँ ऐसा, और ये गरम गरम एंजॉय करना। हाँ तो फिर इसको ऐसे बोल रहा हूँ मेहमान लोग आएंगे तभी बना देना फटाफट और खा लेना। ठीक है तो मेहमान लोग आएंगे तो आपकी तारीफ करेंगे और हम लोग फिलहाल ये चीज एंजॉय करेंगे दाल गोश्त के साथ। आज उसमें तो फ्राइड चिकन के साथ एंजॉय किए थे, अभी ये बार दाल गोश्त के साथ एंजॉय। ठीक है चलो देखते हैं। सो गाइस अभी मम्मी की रोटी बन चुकी है और मम्मी गई ले बाहर, तो देखो अभी आपको बताता हूँ। ये हुई है मम्मी की रोटी, रोटी रोटी मम्मी की रोटी, गुल गुल पप्पा का पैसा, गुल गुल। तो चलो अभी मैं आपको खाते वक्त दिखाता हूँ कि कैसी बनी है मम्मी की रोटी। तो दानिश को लग चुकी है भूख, रोटी पक रही थी वैसे ही बोलता है मुझे खाना दे दो, तो अभी नौशीन लेने गए खाना, तो पहले उसका ही रिव्यू ले लेते हैं। दाल गोश्त बटर नान सॉरी। अरे 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 बच्चों के लिए बनाई, तेरे लिए नहीं बनाई, कैसा है? मजा आ गया, अच्छा। पहले वाली रोटी अच्छी थी या अच्छी है? दोनों भी अच्छी नहीं, दोनों की ऐसी भी सेम है तो दोनों अच्छी होगी ना। नहीं खाली हाथ अलग है ना, छोटी बड़ी हाँ वो बड़ी बनाई थी। वो क्या जो ना जो बताता ना कभी भी अच्छा बना नहीं पाता, जो जो सीखते हैं ना कभी एक लेवल आगे निकलता है, मास्टर मास्टर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। मतलब तेरी रोटी अच्छी है, ये जो सीखी ना अभी और तुम्हारा मिठाई की तो और अच्छे से आगे जाएगी। अच्छा एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना बनाने की, तो टेस्ट अलग अलग टेस्ट अलग अलग रहते हैं। ये छोटी साइज की बनी है पर है ना, मतलब ये तुम लोग किसी रेसिपी दिखाने के लिए, क्योंकि नहीं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ में दिख के बनाएंगे। तो को मिलेगा ना खाने, इसके लिए बोल रहा है ये तो देखो बिजनेस चालू कर दिया, बटन आने बटन का 5 रुपया 10 रुपया। तो अच्छी है कि नहीं टेस्ट में फाइनल बोल दे तो फिर मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर देती हूँ। अच्छी तभी तो खा रहे फटफट फटफट, ध्यान ही नहीं होगा आजू बाजू। अच्छा आप लोग भी ट्राई करना ये रेसिपी, पर मैंने साइज छोटी बनाई थी तो आप लोग साइज थोड़ी बड़ी बना देना, और मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।